ये जो पब्लिक है, हजारों करोड़ों जो लोग मुश्किल में हैं, किस वजह से गवर्नमेंट अपने ऊपर कुछ कुछ ऐसे चीज़ें कर देती है जिससे पब्लिक सफ़र होती, वो चीज़ के लिए मुझे ठहरना है, मुझे काम करना है पब्लिक के लिए। जब कोई आप में से कोई इंसान किसी को भी मसला हो, जैसे मेरा बेसिक मोटो है पब्लिक लिटिगेशन, वहाँ पर जिसको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके दिमाग में मेरा नाम आना, सबा खान एक एडवोकेट है, ये लड़की पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करती। तो मेरा एक ही है नज़रिया, मेरा काम, मेरा रीज़न फॉर चूजिंग लॉ इज दिस ओनली, पब्लिक लिटिगेशन। जैसे अंकल ने बोला वहाँ पर एक नाला खुदा हुआ है, कोई वो आदमी को जाके पकड़ना, तो मेरा मोटो वही तो है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ना है, आदमी को जाके पूछना है कि ये चीज़ ऐसी है, ऐसी रहना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। ये फर्स्ट रीज़न है मेरा LLB का। और दूसरा, डिवोर्स अपने उसमें बिल्कुल बुरी चीज़ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एडवोकेट्स में कुछ कुछ केसेस सुना कि सालों सालों बीत गए लेकिन वो हस्बैंड वाइफ बस लटकते हैं। आदमी को तो है भाई, कर लेते हैं उन्होंने जितने शादियां हैं, लड़की की जिंदगी बस लटकी हुई है बच्चों को ले लेके। तो एज एन एडवोकेट मैं क्या करूँगा, जितनी जल्दी उससे उसका पीछा छुड़ाना है, पहले तो काम है कि समझाओ मत करो तलाक वगैरह, मगर जब मामला हाथ से निकल गया एक ही चीज़ करना है कि ख़त्म करो उसको, उसकी ज़िंदगी शुरू करने दो, लड़का तो वैसे भी कर लेता, उसको बोलने की ज़रूरत है नहीं। ये सेकंड रीज़न। और थर्ड रीज़न जहेज के ऊपर है। अब जहेज, जैसे अंकल बोले, मेरी खुद की एक बचपन की दोस्त है, उसके वलीमे में मैं उसको शादी में बोला तुम्हारे वलीमे में नहीं आऊँगा मैं, क्योंकि तुम 3 लाख जोड़े की रकम दिए, तुम्हारे मम्मी डैडी घर का सामान दिए, तो मेरा मैं 2-3 दोस्तों के वलीमे में मैं नहीं गया। तो और मैं ये बोलती हूँ कि मम्मा को भी बोलती हूँ, मेरी शादी कभी हुई ना, एक रुपए की चीज़ अगर कोई मांगा ना, मैं नहीं करूँगा शादी। और दूसरी बात, ये थर्ड वन जो पॉइंट चल रहा जहेज के ऊपर का, जो लड़का एक बिस्तर एक अनमारी जो रख नहीं सकता लड़की के वास्ते, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लड़का आपकी लड़की खुश रखता, उसके पास एक चीज नहीं है, एक मामूली सा बेड अलमारी तक नहीं है, आप उसको दे रहे हो, लो भाई मेरी बच्ची को खुश रखो, उसके पास इतनी चीज़ नहीं, उन्हें क्या खुश रख सकता आपकी बच्ची को। और सबसे ख़तरनाक आदमी वो है दूल्हे वाले साइड जो खामोश रहते, देते वक्त आपकी मर्ज़ी, हम तो मना कर दिए मगर आपकी मर्ज़ी, खुशी ये खुशी से दे दो बोलते ना, मत दो बोलते, वो ख़तरनाक आदमी है। पूछने वाला फिर भी उन्हें बेगरत है मगर वो खामोशी में लेने वाला खतरनाक नहीं, हानिकारक है आपकी बच्ची के लिए। थैंक यू। और जज़ाकल्लाह अंकल, लास्ट लाइन, आप लोग के घर में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, जो आदमी मंगने वाला है या खामोश रहने वाला है जहेज देने पर, मैं पलंग बिस्तर अनमारी की बात करूं, दूसरे चीज़ों तो छोड़ ही दीजिए, वो भी मत दीजिए। बहने आप लोग भी जब करेंगे शादी जो भी है, वैसे घर में मत जाइए, वैसे घर में जाइए जो वो लोग बोलेंगे लड़की के लिए सब सेट है, हमारे पास है। खामोशी खतरनाक चीज़ है।